हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आशीष। फ्रेंड्स, हमारा भारत का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन्स को लेकर एक बहुत ही बढ़िया खबर आ रहा है। जी हाँ, खुशी खबर। इंडियन आर्म फोर्सेस का अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन्स के लिए यूके बेस्ड कंपनी डायनोमेटिक और हमारा भारत का IIT कानपुर साथ इंडिजिनस डेवलपमेंट सहायता करेगा या मदद करेगा, जिसे लेके दोनों पक्षों की तरफ से MOU सिग्नल हो गया है। दोनों संस्था के तरफ से हर टाइप का ड्रोन्स और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकियों को डेवलप करेंगे। ये MOU सिग्नेचर में डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा अग्राधिकार दिया गया है। ये कोलाबोरेशन की मदद से भारत या इंडियन आर्म फोर्सेस को स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर डेवलप और काफी सस्ती कीमत में सारे आर्म्ड और नॉन आर्म्ड वर्जन ड्रोन को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि हमारे IIT कानपुर की तरफ से डिफेंस और होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान का संचालन किया जा रहा है और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक मल्टी पेटेंट को भी प्रेजेंट किया है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आप रहे सबसे आगे। UAV या अनमैन्ड एरियल व्हीकल को हमारा भारत में डेवलप और एक्सपोर्ट करने के लिए यूके बेस्ड डायनोमेटिक कंपनी के साथ कोलाबोरेशन किया गया है, जो कि मेक इन इंडिया को और आगे ले जाएगा, जो कि होम बेस्ड HL और BL कंपनी को भी मदद करेगा। यदि हम डायनोमेटिक के बारे में बात करें तो ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जो हाईली इंजीनियरिंग सोल्यूशन और प्रोडक्ट डिफेंस और एरोस्पेस को प्रोवाइड करता है। साथ साथ ये कंपनी के पास भारत, यूके, जर्मन और यूरोप में ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। साथ साथ कंपनी के तरफ से भारत और यूरोप में 3 डिजाइन लैबोरेटरी को डेवलप किया गया है। इस लैबोरेटरी में हर रोज नया टेक्नोलॉजी को लाया जाता है। यह कंपनी को क्रेडिट प्रदान करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल घातक या उरा को डेवलप करता है, जो कि एक आर्म वर्जन होगा और मिजाइल फायर भी कर सकता है और टारगेट भी कर सकता है। और हाल ही में IIT कानपुर के द्वारा अक्टूबर की महीना में घातक UCV को लेकर के वीडियो भी जारी किया गया था। वीडियो मतलब एक एक मॉडल को दिखाया जा रहा था कि कैसे हमारा ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया जाएगा। और हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हमारा भारत 2022 तक एक आर्म वर्जन ड्रोन फील्ड को डेवलप करना चाहता है, तो इसे देखते हुए हमारा भारत IIT कानपुर के तरफ से ये यूके बेस्ड डायनोमेटिक कंपनी के साथ कोलाबोरेशन किया गया है। एक बहुत ही बढ़िया बात होता है, जिसके थ्रू हमारा भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी तो मिलेगा, साथ साथ हम यहां से दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक। आशा करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।